नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ओरियो बिस्कुट से आइसक्रीम बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 10 रुपए वाले 4 पैकेट ओरियो बिस्कुट लिए हैं। 500 ml फुल फैट दूध लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह उबाला है और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाया है। उसके बाद इसे पूरी तरह ठंडा होने दिया है। आवश्यकता अनुसार चीनी लिए है। आइसक्रीम बनाने के लिए पेपर कप्स लिए हैं। आपके पास अगर मोल्ड हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे और उसमें बिस्किट डाल देंगे। बिस्किट के साथ ही मैं चीनी डाल दूंगी 2 चम्मच, क्योंकि दूध डालने पर बिस्किट की मिठास कम हो जाएगी और आइसक्रीम फीका अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा चीनी ऐड करूंगी। अब इस बिस्किट पाउडर में मैं 3 पैकेट के हिसाब से दूध डालूंगी। बिस्किट मेरे 4 पैकेट है, लेकिन मैं 3 पैकेट के हिसाब से दूध डालूंगी। चलिए दूध डालते हैं। चीनी के जो टुकड़े दिख रहे हैं, अभी फिर से ब्लेंड करूंगी तो ये मिक्स हो जाएंगे। मैंने मेजरमेंट के लिए ये ओरियो का पैकेट ही लिया, इसे 3 पैकेट दूध डाल दी हूँ। चलिए इसे अब ब्लेंड करते हैं। देखिए इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें दूध मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया है, आप पहले कम ही डालिएगा। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और टेस्ट बढ़ाने के लिए, और फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे अब पेपर कप में डालते हैं। इस तरह मैंने जितना घोल था उसे पेपर कप में डाल दिया है। अब इसे कवर कर दूंगी। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो तो एल्युमिनियम फॉइल से कवर करिए, या फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक सीट से कवर कर दीजिए। इस तरीके से सील कर दूंगी और यहाँ चाकू की सहायता से कट लगा दूंगी और स्टिक को फिक्स कर दूंगी। स्टिक को पूरी तरह नीचे तक डालिएगा और डीप फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसी तरह सारे कवर कर लूँगी। 7 से 8 घंटे हो गए हैं, आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब चलिए इसे खोलती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से जम गए हैं। अब इसे काट कर निकाल देती हूँ। देखिए हमारा ओरियो बिस्कुट से आइसक्रीम तैयार हो गया है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह आप घर में 5 मिनट के अंदर मिक्सर तैयार करके ओरियो आइसक्रीम बना सकते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप ट्राई करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।